इतनी देर तो कभी नहीं हुई आपको, कहाँ थे आप? मैं कब से फोन लगा रही थी, आपके दोस्तों को मैं फोन किया, आप वहाँ भी नहीं थे। फिर बताइए ना कहाँ थे आप? तो अशोक, अशोक भाई ने वहाँ पे थे। मैं देख। मिस्टर प्रमोद है? हाँ, पर बात क्या है? अरे आप अंदर कैसे जा रहे? रुकिए आप। चलो उठ। उठ। हाँ। उठ। देखिए पर इन्होंने किया क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं इन पर। सर। ये बाकी बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। कोई गलत नहीं। क्यों चले आला? ये ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। आप इन्हें नहीं ले सकते। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने मुंबई की रिश्तों में उलझी एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है प्रमोद और उसके परिवार की, जो अपनी पत्नी सीमा और बेटी गीता के साथ रहता था। एक साधारण दिन की तरह रोजमर्रा के काम के साथ दिन की शुरुआत होती है कि अचानक वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और प्रमोद पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। प्रमोद की पत्नी और बेटी को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर ये सब क्या हो रहा था, क्या थी इस परिवार की कहानी और क्या हुआ था उनके साथ? क्या प्रमोद ने सच में किसी का शारीरिक शोषण किया था या फिर उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था? सच क्या है ये जानने के लिए हमें कुछ वक्त पहले घटी घटनाओं पर नजर डालनी होगी। ऐसा कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? आगे के बारे में सोचा है कुछ? क्या इस किराए के मकान में जिंदगी खत्म? फिर वही रामायण। अरे इतना सब करता हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब शराब अंदर जाती है ना तुम्हारे, तो फिर क्या 10 हारे या 20 कुछ पता नहीं चलता तुम्हें। बरोबर छे, लेकिन होश रहता है। अभी धंधा ऐसा है तो उठना बैठना पड़ेगा कि नहीं, थोड़ा तो समझ यार। और गीता के बारे में सोचा है कब? बड़ी हो रही है वो। अच्छा, गांव वाली प्रॉपर्टी को बेच के यहाँ क्यों नहीं कुछ खरीद लेते? कुछ तो फायदा होगा। हाँ बोलो सेठ, क्या बोलता है धंधा पानी? धंधा पानी ने बात पछी, पहले ये बताओ कल कितनी हार हुई? अरे साफ साफ बोले ना मोटा भाई। अरे साफ साफ मतलब कल कितने हारे, 10 या 20? अरे अपना रोज का है, छोड़ो ना। पता है ना, पैसों को हाथ से फिसलने में देर नहीं लगती। अरे बरोबर से मोटा भाई, पर क्या है ना, थोड़ा टाइम पास होता है ना, हम सब एजेंट थे। ए प्रमोद, 15 रन वाला चाबी देना। हाँ भाई, डायरेक्ट है क्या? अरे सपना देखते हैं दिन में, डायरेक्ट कहाँ आजकल, प्लस में। अरे राजेश, वो मैंने तुझे बताया था उसके बारे में, क्या हुआ? दो दिन में बताता हूँ। प्लीज हाँ, मालूम है ना बहुत अर्जेंट है। पक्का। ओ भाई बाबू, यार वो उषा नगर की दलाली तो क्लियर कर, महीना ऊपर हो गया यार। अरे एक्सप्रेस ट्रेन पे चढ़ा है क्या? आने तो दे, आते ही देता हूँ ना। अरे तेरा रोज का नाटक है, बताता हूँ। पक्का। अरे सेठ, कोई डील है क्या? मेरी एक प्रॉपर्टी है, राजेश बोलता है बेचो मत, मैं खुद ही खरीद लूंगा। अरे सेठ, इसके भरोसे मत रहना, घुमाता रहेगा ये। वैसे कितने की प्रॉपर्टी है? 50 लाख की। वैसे तो ये प्रॉपर्टी बेचनी नहीं थी मुझे, पर एक नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है तो उसमें कुछ पैसे लगाने, तो सस्ते में दे रहा हूँ। तो पेपर्स दिखाओ, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं ही ले लेता हूँ। पेपर्स तो सारे क्लियर से मैं मंगवा देता हूँ। 2 मिनट। हेलो सेठ, टोकन के 20,000। आपको पेपर्स नहीं देखने हैं, वैसे सारे क्लियर, आप कहो तो मंगवा लेता हूँ। अरे छोड़ो ना सेठ, अपना संबंध आज का है क्या? विश्वास का धंधा है। लेकिन हाँ, ये रजिस्ट्री अपनी दिकरी के नाम करूँ। जैसे आपकी मर्जी। चलो फिर सर, ये लीजिए।
प्रदीप भाई बहुत बहुत बधाई हो। अरे बोलो मिठू कराओ। थैंक यू थैंक यू। आज तक किस्मत मेरे साथ है अशोक भाई। किस्मत का कोई भरोसा नहीं प्रदीप भाई। अरे सुरेश भाई क्या है बार बार मोबाइल बदल बदल के चेहरा बदलते रहते हो। अरे तो तुम भी देखो ना लाइट जलेगी दिल की और दिमाग की भी। देखो देखो है? अरे हटाओ यार। देखो तुम तुम्हारा जलसा करो ना हम हमारा करते हो ने। सुरेश भाई का फेवरेट पॉइंट। अरे थाने अब तूने नहीं लिया तो मैंने ले लिया अब उसमें गलत क्या किया बता। तुमको मालूम था ना ये महाजन सेठ के साथ डील मैं कर रहा हूँ क्यों क्या तुमने। अरे यार तू खाली खोटी मगजमारी करे। देखो अभी तू जाने ने तेरा महाजन सेठ जाने तो बात करनी है ने तो जाके उससे छोड़ूंगा नहीं किसी को। मार्केट में रहता हूं मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा और महाजन सेठ को भी नहीं छोड़ूंगा समझा। अरे यार अब मगजमारी करे रे। अब बैठो अब बैठो आराम से बैठो। मगज नु कहीं करे बस आ मूड नहीं वाट लगा दी थी। चलो 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 करो आओ थोड़ी सा यार। अरे चलो यार रिलैक्स। अरे यार राजेश सुनना वो कल कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी समझ में आया। तेरा मेरा सारा धंधा खत्म। अब जो होगा ना वो दुनिया देखेगी और मैं दिखाऊंगा समझा ना दिखाऊंगा समझ में आया। अरे प्रमोद और राजेश दोनों रियल एस्टेट एजेंट्स थे और साथ ही में बिजनेस करते थे लेकिन महाजन से प्रॉपर्टी खरीदने के बाद से ही दोनों के बीच तनाव रहने लगा था। अब यहाँ सवाल ये उठता था कि क्या इस बात को लेकर राजेश प्रमोद के लिए किसी परेशानी का कारण बन सकता था। फोटो आईडी दो फोटो और एक चेक ले आना कल एग्रीमेंट बना देते लेकिन ना कल सुबह 10 बजे जल्दी आ जाना। आ जाएंगे प्रमोद भाई। प्रमोद जी का ऑफिस है जी। कल मिलते हैं ठीक है। जी मेरा नाम सोनिका प्रधान है। बैठिए। यहाँ पर नहीं आई हूँ कोई 2 BHK चाहिए था अच्छी सोसाइटी में। वैसे आपका बजट कितना है। बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंगल या मैरिड आप। अभी तो अकेली हूँ कभी कभी मॉम आया करेंगे। वैसे आप कोई कंपनी में काम करती हैं कि ये अपना फिल्म लाइन वगैरह। अभी जॉब ढूंढ रही हूँ फैशन डिजाइनर। वैसे मेरे पास आपके लिए 3-4 बढ़िया फ्लैट हैं अगर बोलो तो देख लेते। देख सकते हैं जी 2 मिनट। चलिए प्लीज आइए। ये लाइट लगा दे। देखिए बाथरूम देख लें। कैसा लगा। किचन दिखा देता हूँ जी। आइए। फ्रीज है मॉड्यूलर किचन है और पीने का पानी का मशीन। चले बताइए कैसा लगा। परफेक्ट है। ये स्पेशल मैंने आपके लिए निकाला है। प्रमोद जी इतने फ्लैट्स देखे हमने। आई लव बाथटब तो इसे डन कीजिए। तो फिर भगवान का नाम लेके आज ही टोकन कर दीजिए। आज क्या आप अभी लीजिए। ये लीजिए। तो बाप
ठीक है, आप कल आ जाइए, मैं ओनर से आपकी मीटिंग करा देता हूँ जी, और जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी कर देते। श्योर, जय श्री कृष्ण, आइए। अरे भाई, चौथे माले पे ले जाना है, धीरे धीरे ले जाना। अरे इसमें कांच का सामान भी होगा, संभाल के। ये जो 404 नंबर का फ्लैट है बहुत ही लकी है। थैंक यू प्रमोद जी, आपके बिना शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं थी। पापा, पापा, पापा उठो ना प्लीज, आज संडे, उठ जाओ, कहीं घूमने चलते हैं, पिक्चर चलते हैं, चलो। अरे दिख रहा, आज रजा छे। अरे जल्दी उठो ना। आप अभी तक उठे नहीं, मैं आपको हॉल में देख रही हूँ। सीमा चल, थोड़ा सोने दो ना यार, प्लीज। कोई जरूरत नहीं सोने की, एक संडे को मुंह तक तो धोते नहीं है आप। सीरियसली, दोनों माँ बेटी, एक काम करता हूँ, सुनो, तुम्हारी मैं शादी कर देता हूँ, फिर आराम से सोऊंगा संडे को। शादी शादी वादी कुछ नहीं करनी मुझे, पढ़ाई करने के बाद अच्छी सी जॉब करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। पिक्चर चलते हैं, वो गुजराती। चलो चलो चलो, चल वो डैडी पे। हाँ हेलो, अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अपना तो फोन आ गया, अब जल्दी निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो आप, आज संडे है ना। अरे तुम लोग तैयार हो, मैं आता हूँ। सुनो, इसकी बढ़िया वो डिश बनाना, बटाटा पोहा, ठीक है। हाँ बेबी, ऐसा मत बोलो ना प्लीज। जय श्री कृष्ण, मैं मिलने आऊंगी ना, प्रॉमिस। हाँ, आई लव यू टू। अभी मैं रखती हूँ, बाय। प्रमोद जी चलिए। अरे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको दिखाना है, आइए ना प्रमोद जी। ये देखिए, ये कबर्ड मुझसे खुल ही नहीं रहा, मैंने कितनी बार कोशिश की, हाथ में दर्द हो गया। मैं देखता हूँ। अरे ये तो खुल गया। और कुछ है? I'm so sorry. Problem solved. Thank you so much. Bathroom. आइए, ये देखिए, आइए आइए, ये देखिए, बाथटब में पानी नहीं आता। आपसे बोला था ना मैंने, ये घर मैंने क्यों लिया था, अब मैं क्या करूं? आप चिंता मत करो, मैं कल तक ठीक करा देता। थैंक यू। चले अब आप, आपके लिए मैं कॉफी बनाती हूँ, आइए। अरे देखिए, मैं बाद में आऊंगा, अभी प्लीज पार्टी बैठिए, मैं बाद में आता हूँ, ठीक। जय श्री कृष्ण। मैं दिखा दूं जलसा? हैं? हैं? नहीं नहीं बा, तुम अपना जलसा करो। आप बैठिए भाई साहब, मैं देखती हूँ। अरे सर, कैसे आइए आइए प्रदीप भाई, बस आपका इंतजार कर रहे थे कि कब भाई साहब बाहर से अपनी ड्यूटी खत्म करके आए। क्या सेठ, आप भी बस, अरे दो पे की तो। सच में प्रमोद, आपको ना इस बात के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, है ना भाभी जी? छोड़िए ना भाई साहब, ये तो इनकी रोज की बात है। अरे पापा, आप आ गए। हाँ दिख रहा, सोई नहीं? नहीं अभी नहीं, मैं खाना लगा था। गीता चल मेरी मदद कर। वो जी ये क्या रोज रोज दो पे, अच्छी बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं जिस काम से आया था वो मैं आपको बता दूं।
दीदी ने खाना खा लिया? हाँ सबका खा लिया, सो भी गई वो तो खा। ऐसे आज आपने पी नहीं? चलो अच्छा है, इसी बहाने साथ में खाना तो खा रहे हैं। वही रोज शराब की बात। फिर वही बात, तुमने बोला तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, किया कि नहीं? अब तो खुश हो जाओ। बाबा मैं आपको समझा रही हूँ, आपके भले के लिए कहती हूँ मैं। अच्छा बाबा ठीक है, खाना तो खाइए और सब चलो। हेलो प्रमो जी, घर में सडनली लाइट चली गई है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं कल आके देख लेता हूँ, ठीक है? कल? क्या प्रमोद जी, अच्छा लगेगा कि मैं यूं अंधेरे में पूरी रात बैठी रहूं? अब इतनी रात को कैसे आऊंगा, कल आता हूँ। ऐसा करेंगे आप मेरे साथ, आई डोंट केयर, आप प्लीज आइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक, देखता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो पार्टी के घर। इस टाइम? हाँ कुछ बिजली का प्रॉब्लम है। पता है शराब के बाद ही चलेगी अब बिजली आपकी। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी थैंक गॉड आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो क्या हुआ? पता है मैंने टीवी ऑन किया और सडनली इलेक्ट्रिसिटी फेल है, पता नहीं क्या हो गया। प्रभु जी लाइट तो आ जाएगी ना? मैं देख लेता हूँ। जी लूज हो गया था बस। थैंक गॉड आई वाज सो स्केयर्ड, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। देखिए मुझे आज मैं आपको कॉफी पिए बगैर यहाँ से जाने नहीं देने वाली। देखिए मेरी चलिए, मेरी वाइफ वो चलिए खाने के लिए चलिए, आइए बैठ जाइए आइए। देखिए काफी देर हो गई है, बैठिए बस 5 मिनट। Just 2 minutes. मैं देखती हूँ। अरे अब बैठिए। कौन है? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें, ये प्रमोद जी हैं हमारे ब्रोकर। ओ अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रोनित मेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा मैं चलूँ सोनिका जी? जी। जय श्री कृष्ण। आप
आप यहाँ? प्रमोद जी, I miss you so much. अरे सोनिका जी, थोड़ी थोड़ी चिकचिका कर रही है आपको, देख ले, देख ले, छोड़िए ना. अरे अरे प्रमोद जी, चिकचिका कर रहे हो तुम? हेलो प्रमोद जी, पहले प्रॉमिस कीजिए. अरे हाँ हाँ बोलिए. अरे ऐसे नहीं, पहले ये बताइए कि आप हमसे नाराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं, आप बोलिए सही. आज मेरा बर्थडे है तो आपको अभी आना पड़ेगा, प्रॉमिस कीजिए. ये भी काफी रात हो गई है, मैं अभी नहीं आ सकता. प्रमोद जी प्लीज मना मत कीजिए. सॉरी मैं आपको इनवाइट करना भूल गई, लेकिन बहुत बाद में याद आया. आप ठीक है? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज. अच्छा ठीक है माधव, चलो यार हम आ चुके हैं. क्यों भाई, अभी तो पहले भी चाल भी नहीं चली और तुम चल दिए. लगता है दिल और दिमाग की बत्ती जल गई प्रमोद भाई. अरे नहीं, वो वाइफ का फोन आया था, कल मिलता हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे जाओ जाओ, मजा करो मजा करो. प्रमोद भाई मुझे तुमसे बात करनी है. अरे राजा बोलना, तू मेरे छोटे भाई के जैसा है. अब हम दोनों के बीच में नो टेंशन नो दुश्मनी. अरे भाई तू जलसा करने जो अत्यारे मोड़ो था, कल आराम से बैठ के बात करते हैं. लेकिन सुन तो लो क्या बोल रहा हूँ मैं. अरे भाई क्या सुनूं क्या सुनाऊं, देख तू अभी खाली जलसा कर, कल आराम से शांति से बैठ के बात करेंगे ना. हैं? अरे आइयो आप सेट. आइयो भाई आइयो. मुंबई शहर में बिना ब्रोकर के घर मिलना बाहर से आए किसी भी व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल होता है. ऐसे में ये ब्रोकर्स यहाँ के रियल एस्टेट बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्रमोद सोनिका के घर का ब्रोकर था. शुरुआत में सोनिका का प्रमोद से फ्लैट किराए पर लेना एक आम बात लग रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका रवैया संदेहजनक लगने लगा था. सोनिका प्रमोद के कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही थी, वहीं राजेश प्रमोद पर बराबर नजर रखे हुए था. सोनिका का इस तरह से प्रमोद की जिंदगी में आना मात्र एक संयोग था, या इसके पीछे कोई और ही बात थी? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घटने वाला था जिसके बारे में प्रमोद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? प्रमोद जी, जय श्री कृष्ण. आइए आइए, वेलकम वेलकम. सोनिका जी आपने तो बोला था कि पार्टी है, यहाँ तो कोई नहीं. यस पार्टी है, आई मीन थी. आप थोड़ा सा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, प्लीज बी कंफर्टेबल. आइए आइए ना सोनिका जी, काफी देर हो गई है. आइए बैठ जाइए. हाँ अब बताइए, विस्की या वोडका? देखिए कुछ भी नहीं, मैं जाऊंगा अभी. प्रमोद जी ऐसे कैसे, ऐसे करेंगे आप मेरे साथ? बर्थडे है मेरा, एक ड्रिंक तो बनता है ना, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं. अरे देखिए वो देर हो गई है, वो वोडका. सोनिका जी ठीक है, अपना ही घर समझिए. आई मीन आपने ही तो दिलाया. पीजिए. आई लव दिस नंबर.
अशोक भाई ने वहां पे थे। मैं देखती हूं। से प्रमोद है। हाँ पर बात क्या है? अरे आप अंदर कैसे जा रहे? रुकिए आप। चलो उठ। 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 देखिए पर इन्होंने किया क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस से इन पर। मेरा बर्थडे था और मैंने इन्हें घर पर इनवाइट किया था और इन्होंने नशे की हालत में मुझे मोलेस्ट किया, जबरदस्ती की मेरे साथ। मिस्टर प्रमोद, क्या कहना है? वो सब मुझे कुछ याद नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सब याद आएगा, सब याद आएगा, जब बच्चे से पूछताछ करेंगे सब याद आएगा तुझे। इंस्पेक्टर सर, ये झूठ बोल रही है, ये कल अशोक के यहाँ थे, आप पूछिए इनसे, ये बताएंगे आपको, पूछिए, बताइए ना आप अशोक के यहाँ थे। बताइए ना कहाँ थे आप? वो अशोक, अशोक भाई ने वहाँ पे ले जाओ। भाई साहब, भाई साहब बहुत झूठ बोल रही है। कितनी बार मना किया था मैंने उसे, ये शराब, ये जुआ सब। मेरे पति जुआ खेल सकते, शराब पी सकते, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, आप बैठिए। मैं कुछ करता हूँ। प्रमोद ने उस रात नशे की हालत में सोनिका के घर कुछ वक्त बिताया था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रमोद ने नशे की हालत में सच में सोनिका का शारीरिक शोषण किया था, या सच कुछ और ही था? वहीं प्रमोद की पत्नी सीमा बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने सच का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। यस, किससे मिला है? आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? मैं आपको नहीं जानती। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती। यू कैन लीव। देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम लोग बस वही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। प्लीज। इतना सब होने के बाद आप लोगों को क्या बात करनी है मुझसे? देखिए, मैं मानता हूँ गलती हुई, जरूर हुई है, लेकिन उसकी फैमिली है, एक बेटी है। आई डोंट केयर, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। कैसे वो किसी औरत के? देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए, मेरे पति ऐसे इंसान है ही नहीं जो किसी और औरत को। व्हाट डू यू मीन? कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैं एक औरत हूँ, मेरी भी कोई इमेज है। देखिए, मैं सब समझता हूँ। सुनिए, आपके साथ जो भी हुआ है हम कंपेंसेट करने को तैयार हैं, आपको मुआवजा दे देंगे, लेकिन प्लीज आप ये केस वापस ले लें। 50 लाख। 50 लाख? लेकिन इतने पैसे ये कहाँ से? मेरे साथ जो हुआ उसके लिए ये बहुत ठीक है, हम इंतजाम कर देंगे। ऐसा आप वो प्रॉपर्टी बिकवा दीजिए जो इन्होंने आपसे खरीदी थी। भाभी जी, वो तो आपने गीता के लिए, वो तुम्हारा बन जाएगी। आप पैपर कीजिए, बस इन्हें छुड़वा दीजिए। ठीक है, मैं कुछ करता। एक मिनट, तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे यहाँ पे सब रेप्यूटेड लोग रहते हैं। है तो क्या, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? देखो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। अरे कैसे, मुझे नोटिस जारी करना पड़ेगा। अरे कैसे पॉसिबल है? मेलस्ट्रेशन के चार्जेस लगे हुए हैं प्रमोद भाई के ऊपर। देखो, हमारी सोसाइटी के रेपुटेशन का सवाल है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या नहीं चलेगा यहाँ पे? ये सोसाइटी की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं आप लोग? ये सारा सोसाइटी प्रमोद भाई की वजह से बना है। सारे सोसाइटी का NOC, BMC परमिशन किसने लाया?
प्रमोद भाई साहब ने लाए, पर आप लोग बिना कुछ जाने एक फरमान जारी कर दिया कि बस सोसाइटी से निकल जाओ। शर्मानी चाहिए आप लोगों को। भाभी जी आप अंदर चलिए, हूं देखते हैं आप लोग सिर्फ। चुप, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। देखिए भाभी जी, मेरे और प्रमोद भाई के संबंध आज से नहीं है, बहुत मेहनत की है हम दोनों ने। और सच तो यह है कि मैं जानता हूं प्रमोद भाई ने कुछ नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं प्रमोद भाई से बहुत नाराज था। नाराज? पर क्यों? वो जमीन उन्होंने जो महाजन सेठ से खरीदी थी वो डील मैं कर रहा था, लेकिन बीच में वो जमीन उन्होंने खरीदी। जमीन खरीदने की वजह से मैं बहुत गुस्से में आ गया और ठान लिया कि मैं प्रमोद भाई को बर्बाद कर दूंगा, और इस वजह से मैं हमेशा उन पर नजर रखने लगा। उनकी क्लाइंट सोनिका के साथ मैंने उनको देखा, वो वक्त बे वक्त उसके घर पे जाया करते थे, वहां से निकले मुझे शक हुआ। और उस रात को मैंने कितने इंपेशेंट हो जाते प्रमोद का काम हो जाए। और कितना टाइम लगेगा? शरीफ आदमी, जेंटलमैन टाइप, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? मेरी माया से कोई नहीं बच सकता। डायलॉग्स बंद कर और काम पर ध्यान दे। इस लैला, लैला नहीं सोनिका, वैसे चले पूरे कब बाकी भी मिल जाएंगे प्रमोद के अंदर जाने के बाद। मैं ये बात जाके प्रमोद भाई को बताने के लिए गया भी। मुझे तुमसे बात करनी। जो अत्यारे मोड़ो था कल आराम से बैठ के बात करें। हमारी नाराजगी की वजह से आपस में बात नहीं हो रही, तो ये मैं बता नहीं पाया उनको। राजेश भाई, हमें ये बात पुलिस को चल के बतानी चाहिए अभी। आप प्लीज चलिए मेरे साथ। अभी जी, हमारी इस बात का कैसे यकीन करेगी पुलिस? ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे बता के हम प्रमोद भाई को निर्दोष साबित कर सके। बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। चलिए गीता भी घर में अकेली है, चलना चाहिए। मांगता है? अरे मांगता है क्या, बोलो। अभी होटल बंद हो चुका है। लेकिन अभी तो गाड़ी अभी बंद हो चुका है। चलिए छोटी मत करिए टाइम का। सारी सच्चाई सीमा के सामने थी। ये बात अब पूरी तरह पुख्ता हो चुकी थी कि सोनिका ने प्रमोद को झूठे इल्जाम में फंसाया था।
लेकिन सीमा और राजेश सबूत ना होने की वजह से चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ये बात भी अभी तक साफ नहीं हो पाई थी कि सोनिका आखिर ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही थी और क्यों। हेम बाबू, टेंशन में लग रहे हो, जलसा करोगे? मैं तो बोलता हूँ सब काम छोड़ दो और काम सूत्र को पकड़ लो। एक नया है, लाइट पक्की जलेगी। छोड़ो ना सुरेश भाई, वैसे ही मूड खराब है। अरे तो मूड को अच्छा करो ना, देखो एक से एक टका टक देखो देखो। एक ये इस एरिया से पहले वाली, हाँ ये कौन है? लाइट जले ना। अरे सुरेश भाई भाव मत खाओ, ये कौन है बताओ ना? एक नहीं है, टॉप क्लास, बुक करो क्या? कोई लोचा तो नहीं? अरे आप घबरा जाते हो भाई साहब, लोचा काहे का, होटल वीआईपी में काम हो जाएगा। होटल वीआईपी प्रेफर करेंगे आप, इंग्लिश या देसी? देसी तो बहुत हो, इंग्लिश हो जाए। शो ले चलो इसे, चलो। चलिए भाभी काम हो गया। तो ये सब धंधा करती है तू? बता तूने प्रमोद को झूठे केस में क्यों फंसाया, बता। समय एक एस्कॉर्ट हूं और सिर्फ पैसे के लिए। पैसा के लिए? मुझे बोला था कि। क्या बोला था, किसने बोला था? देख सोनिका उर्फ लैला, सब कुछ सच सच बता, वरना हम अपने तरीके से पूछताछ करेंगे, बता। वो मैनेजर ने बोला था कि बिना कुछ किए 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने प्रमोद को बर्थडे का बहाना बोलकर घर पे बुलाया और उसकी ड्रिंक में मैंने, क्या नाम है उसका? रौनक चौहान। अनुलकर करुणिला घेनिया इनले प्रमोद को बाहर ले आओ। अपन घूम जाएगा, ले जाओ। हाँ तो मिस्टर मैनेजर, रोनित चौहान, मैडम सोनिका उर्फ लैला है अंदर लॉकअप में और तू भी हमारे सामने है। बोल बोल। सर हम लोग एस्कॉर्ट बिजनेस सोशल साइट्स पर करते हैं, बस फेक नाम यूज करते हैं। सर मुझे किसी क्लाइंट का मेल आया जिसमें प्रमोद की डिटेल्स थी। सर काम अच्छा था, सर पैसे अच्छे थे, मैंने हाँ कर दिया और मैंने सोनिका को काम पर लगा दिया। सर आप मेरा भरोसा कीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ सर, वो मेल किसी देसी हंटर नाम की आईडी से आया था। सर देसी हंटर?
शिंदे साइबर सेल को इन्फॉर्म करो। सलाम। हाँ तो देसी हंटर। हाशिम भाई आप, अगर उम्र का लिहाज नहीं होता तो छोड़ती नहीं मैं आपको। क्यों किया आपने ऐसा? आप तो अपने बनते थे। मोटा भाई अबे। हाँ भाई देसी हंटर, चल बता बता तूने ये सब क्यों किया बता। वो मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने प्रमोद भाई को 50 लाख में बेची थी। अरे सेठ कोई डील है क्या? मेरी एक प्रॉपर्टी है, राजेश बोलता है बेचो मत, मैं खुद ही खरीद लूंगा। तो पेपर्स दिखाओ, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं ही ले लेता हूँ। प्रदीप भाई बहुत बहुत बधाई हो। अरे बोलो मिठू कराओ। थैंक यू। उसके बाद वो टाउन प्लानिंग की सीमाएं बढ़ गई तो प्रॉपर्टी के दाम भी 4 गुना बढ़ गए। वो मेरी गलती थी जो मैंने प्रॉपर्टी बेचने में जल्दबाजी कर ली। मैंने प्रमोद जी से वो प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए कोशिश भी की थी, पर वो जो जमीन मैंने आपको बेची थी वो मुझे आप वापस दे दो। अरे क्या मोटा भाई आप भी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। फिर मैंने सोचा शरीफ लोग कुछ ऐसा वैसा करूंगा तो डर जाएंगे, वैसे भी इनके पास इस प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। कि मैंने रोनित की साइट देखी और इन लोगों को मतलब सोनिका और रोनित को काम पे लगा दिया। इस उम्र में भी साइट देखता है? हाँ पापा। राजेश सच आखिर सबके सामने था। महाजन ने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए गहरी साजिष रची थी। उसे आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 415, 417 और 420 के तहत 7 साल की सजा हुई। सोनिका को गलत पहचान बताकर धोखाधड़ी करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 419 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही रोनित को भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। आज के इस दौर में पैसों का मोह एक साधारण सी बात है, लेकिन जब ये मोह लालच में तब्दील हो जाता है तो ये विनाशकारी रूप ले लेता है। महाजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने लालच में आकर ना सिर्फ प्रमोद का विश्वास तोड़ा बल्कि उनकी दोस्ती के रिश्ते का भी मान नहीं रखा। आखिरकार सीमा और राजेश की जद्दोजहद रंग लाई और सीमा के अटूट विश्वास ने उसे सच तक पहुंचा ही दिया। आज हमारे देश में आए दिन कई रेप केसेस सामने आते हैं। उनमें से कई केसेस फर्जी भी होते हैं जहां महिलाएं उनके लिए बनाए गए कानूनों का गलत फायदा उठाती हैं। ऐसे में हमें किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। इंसान की हसरतों का कोई अंत नहीं होता, तो क्या अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इंसानियत को छोड़ना सही है? इसी सवाल के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।